दोस्तों आज बात करते हैं कि सच में भगवान राम ने शूद्र के साथ भेदभाव किया था। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों भगवान राम ने क्यों मारा एक शूद्र को? एक बार एक ब्राह्मण अपनी बेटी की लाश लेकर राम जी की सभा में आया और कहता है कि मैंने अपने ब्राह्मण होने की ड्यूटी पूरी निभाई है, कैसे मेरा बेटा मुझसे पहले मर सकता है? जरूर आपके राजपाट में ही कोई गलती या दोष है। भगवान राम ने अपने गुप्तचरों से पता लगाया तो पता लगा एक शंभुक नाम का शूद्र तपस्या कर रहा है। फिर राम जी खुद उस शूद्र के पास गए और तपस्या करने का रीजन पूछा। शंभुक ने कहा, तपस्या से मैं शक्तियां प्राप्त करके देवताओं को हरा के उनके ऊपर राज करूंगा और अप्सराओं के साथ भोग करूंगा। भगवान ने उसकी घटिया सोच जानकर तुरंत ही अपनी तलवार निकाली और उसकी गर्दन काट दी। की सोच घटिया थी इसलिए भगवान ने उसका गला काटा, वरना भगवान उसे तपस्या का कारण नहीं पूछते। अगर कोई भी इंसान साफ मन से हमारे शास्त्र पढ़े उसे पता चलेगा कि किसी भी प्रकार का उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, पर कुछ लोग हमारा शास्त्रों का मजाक उड़ाने के लिए झूठ फरेब और चीजों को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगली आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते। हरे रामा हरे कृष्णा।